हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 12 कॉमन डाइटरी और न्यूट्रिशन मिथ्स जो लोग सोचते हैं और बिलीव करते हैं, इस वीडियो में हम बस्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपको मालूम है, सबको अपनी सेहत को इम्प्रूव करना है, बेहतर बनाना है और जो भी एक्स्ट्रा वेट है उसको भी शेड करना है। तो उसके लिए काफ़ी बार गूगल में जाते हैं और कई कई न्यूट्रिशन फैक्ट्स आ जाते हैं, पर क्या ये सच हैं? ये फैक्ट्स पता नहीं, एविडेंस बेस्ड हैं, साइंटिफिक हैं पता नहीं। और इस वीडियो में 12 मिथ्स, यानी कि हिंदी में शब्द है गप, उसको हम बस्ट करने वाले हैं। पहली मिथ ये है कि सब लोग सोचते हैं कि डीटॉक्स डाइट या क्रैश डाइटिंग बहुत असर करेगा अपने वेट लॉस के लिए, पर क्या ये सही है, ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ मौसम्बी या एप्पल या कुछ भी फ्रूट या जूस, वेजिटेबल जूस आपने पी के हर दिन, हफ्ते के हर दिन में अगर आपने पिया, तो काफ़ी परेशानियां आपको महसूस होंगी, जैसे कि विटामिन लॉस, आपके बाल, जो बाल हैं वो भी थिन हो जाएंगे, हेयर लॉस हो जाएगा, है ना। और आपको मिलेगा, माने कि जो भी एनर्जी होनी चाहिए बदन में वो नहीं होगी। तो क्या आप ये जो क्रैश डाइट है जहाँ पे सिर्फ ऑरेंज जूस या सिर्फ वेजिटेबल जूस या सिर्फ सैलेड खा के, क्या ये सस्टेनेबल है? नहीं, ये सस्टेनेबल नहीं है। इसका मतलब है, क्या आप 10 साल के बाद भी ये कर सकते हैं हर दिन? नहीं, एक ना एक दिन आपको वापस नॉर्मल डाइट, आपको मन भी होगा और आप वापस खाएंगे चपाती, चावल, सब्जी, रायता, फल, क्या क्या नहीं है नॉर्मल डाइट में। तो जो सस्टेनेबल नहीं है वो आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म रिजल्ट आपको मिलेगा। तो क्रैश डाइटिंग, नहीं तो ट्रेंडी डाइट्स, ये सब फॉलो करने में काफ़ी माने कि हैज़र्ड, क्या कहते हैं, हानिकारक है बदन के लिए। अब ये दूसरी मिथ है कि जब आप अपना वज़न कम कर रहे हैं अच्छे तरीके से, जहाँ पे आप नॉर्मल डाइट क्वांटिटी और क्वालिटी देख के आप कर रहे हैं, ट्रीट फूड्स अलाउड नहीं है, पर ये सच नहीं है, क्योंकि आप खा सकते हैं ट्रीट फूड लिमिटेड क्वांटिटी में, एक बार हफ्ते में, है ना। क्योंकि अगर आप अवॉइड करते जाएं कि नहीं, ये आइसक्रीम नहीं खा सकते हैं, ये मफ़िन नहीं खा सकते हैं, वगैरह वगैरह, जब आपका हो जाएगा वेट लॉस, उसके बाद आप वो ही खाएंगे जो आप अवॉइड कर रहे थे। तो प्लीज़ आप अपने मनपसंद ट्रीट्स को ऐसे इग्नोर मत करिए, एक बार हफ्ते में अच्छे से बैठ के माइंडफुली खाइए और रिलिश करिए बाइट अपॉन बाइट, और फिर आपका मन भी बहल जाएगा, मन की शांति होगी कि हाँ, हमने अपनी मनपसंद ट्रीट खाई है। और फिर नेक्स्ट वीक करके, वंस अपॉन, अगर हर संडे को संडे आप खा रहे हैं तो संडे को रूटीन रखिए। ये तीसरी मिथ है, बहुत लोग सोचते हैं कि कोई मैजिक फूड है वहाँ पे फैट लॉस के लिए, पर ऐसा एक्चुअली नहीं है। कोई भी फूड मैजिक फूड नहीं है, पर मैजिक कहाँ पे आता है? मैजिक आता है जब आप उसको सही तरीके से पकाएंगे, सही तरीके और सही क्वांटिटी में खाएंगे, तब मैजिक होता है बदन के ऊपर। तो अगर आप सिर्फ लौकी सूप खा रहे हैं, नहीं तो सिर्फ सेलरी आप खा रहे हैं हर मील में, ऐसा नहीं है कि वो एक मैजिक फूड है और आपका फैट कम हो जाएगा, ऐसा कोई, ऐसे साइंटिफिकली इट्स नॉट प्रूवन, है ना। तो प्लीज़ आप मन से ये हटा दीजिए कि कोई सुपर फूड है, मैजिक फूड है वहाँ पे, जो आपको सारा, जैसे कि फैट मैजिकली लॉस हो जाएगा। अब चौथा मिथ, बहुत लोग सोचते हैं कि जो अंडे का योक होता है वो बहुत बुरा होता है, पर
रीसेंट एविडेंस माने कि जो साइंस का जो रीसेंट करंट एविडेंस है, रिसर्च है, कहता है कि एक्चुअली ये योग सबसे बेहतर रहता है. क्यों? क्योंकि इसमें हैं या आपके सारे अच्छे फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जैसे कि आपके विटामिन ए, डी, ई, के, है ना, और सारे जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो भी योग में ही प्रेजेंट हैं, और बी विटामिन्स और फोलेट. तो प्लीज़ आप अपना योग जो है एक पूरे अंडे में आप अच्छे से वाइट और येलो प्लीज़ आप खाएं, क्योंकि कितने कितने बेनिफिट्स मिलेंगे, आपका स्किन और हेयर ग्लो करेगा, शाइन करेगा. और यही आप रखिए मन में कि वो अंडा जो है अच्छे से पका के ही आप खाएंगे. पांचवा मिथ ये है, बहुत लोग सोचते हैं कि कार्ब्स माने कि कार्बोहाइड्रेट, आपका चावल, आपका आपकी चपाती, आपका पास्ता, ये सब बहुत फैटनिंग है, पर एक्चुअली ये सच नहीं है. कार्ब्स में क्या है कि वो आपको एनर्जी देता है. अगर वो एनर्जी बहुत माने कि क्वांटिटी वाइज अगर आपने बहुत कार्ब्स खा लिए, जैसे कि अगर ये है आपका कप और आपने पानी यहाँ तक भरा और भरते गए भरते गए भरते गए, क्या हो जाएगा कप का पानी ऐसे बाहर निकल आएगा. वही है आपकी क्वांटिटी, ब्लड का जो कैपेसिटी है, ब्लड की कैपेसिटी, अगर यहाँ तक आपने और भी आपने भर दी कार्बोहाइड्रेट के साथ, ये जो एक्स्ट्रा हो जाता है वो डेफिनेटली स्टोरेज में जाता है. पर ये फैटनिंग माने कि बहुत सालों बाद अगर वो एक्स्ट्रा स्टोरेज आपने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया एक्सरसाइज के ज़रिए, वो धीरे धीरे फैट हो जाएगा. पर मेन पॉइंट ये है कि कार्बोहाइड्रेट आपको खाना है बैलेंस में, है ना. ये नहीं है कि रोटी खराब है, राइस खराब है, माने कि आलू खराब है, और आपका जो फल है उसमें भी ऑफ कोर्स कार्बोहाइड्रेट ही है. तो ये सारी जो रूट्स हैं और जो सीरियल्स है, पास्ता, राइस, रोटी, ये सब खराब नहीं हैं, पर क्वांटिटी में खाइए और बैलेंस में खाइए. और अगर आपने उसका जो है क्वालिटी देखा, उसमें ज़्यादा फाइबर होना चाहिए, माने कि आपने लीस्ट पॉलिश्ड राइस, है ना, और जो आपका जो आटा होता है उसमें भी आप देखें थोड़ा सा, अगर मल्टी ग्रेन आटा अगर आपने उसके साथ चपाती बाएं तो बेहतर रहेगा. अगर आप नए नए आए हैं हेल्थिफाई मी ऐप में, प्लीज़ उसको अच्छे से सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए. और अगर आपको YouTube चैनल जाना है वीडियोस देखने के लिए, हेल्थिफाई मी वीडियोस के लिए, तो आप बेल आइकॉन पर प्रेस करिए. हेल्थिफाई मी आपका सबसे परफेक्ट कंपेनियन है, जिसमें आपको गाइडेंस मिलेगी अपने वेट लॉस जर्नी के लिए, और जो भी मेडिकल कंडीशंस है वो भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं आप हेल्थिफाई मी ऐप के ज़रिए, क्योंकि उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ साइंटिफिक है और एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी. तो प्लीज़ हेल्थिफाई मी ऐप सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए. अब ये है जो मिथ 6 जो हम बताने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोग समझते हैं कि दूध बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है अब विमेंस बोन हेल्थ के लिए, माने कि जैसे जैसे हम औरतें और भी जैसे कि 10 ईयर्स में वो जो बोन की हेल्थ है थोड़ी सी वीक हो जाती है, तो लोग सोचते हैं कि दूध में से जो कैल्शियम आता है वो हड्डियों को स्ट्रेंथन करेगा, पर एक्चुअली ये मिथ है, क्योंकि जो कैल्शियम आ रही है मिल्क से वो पूरी तरह से बोन में नहीं अब्सॉर्ब करता है. और हार्वर्ड स्टडी ने भी देखा कि 72,000 विमेन में ऑलमोस्ट 2 decades माने कि 20 ईयर्स की स्टडी, इतनी लंबी स्टडी थी, और उन्होंने सब दूध पिया अपने बोन फ्रैक्चर्स प्रिवेंट करने के लिए वगैरह, ऑस्टियोपोरोसिस, पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखा उनको, वो देयर वाज नो डायरेक्ट लिंक इन द मिल्क एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स. पर अगर आपको कैल्शियम चाहिए तो काफ़ी दूसरे यू नो फूड सोर्सेज हैं, जैसे कि आपके हरी सब्जियां, आपकी ब्रोकली,
और आपका सोया, इन सब में कैल्शियम है। और अगर आप देखें तो तिल सीड्स माने कि तिल के जो बीजे हैं उसमें भी काफ़ी कैल्शियम मिल सकता है। तो आप सोली दूध के ऊपर मत डिपेंड करिए अपने कैल्शियम सोर्स के लिए, पर ये सारी ब्रोकली भी है जिसमें काफ़ी कैल्शियम है। तो ये सारी जो सब्जियां हैं, हरी सब्जी, ब्रोकली, तिल के जो बीजे हैं, इनके ऊपर भी आप डिपेंड कर सकते हैं। अब सातवां मिथ ये है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो फल नहीं खा सकते, पर क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है। जिन जिन को डायबिटीज़ है वो आराम से फल खा सकते हैं, माने कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स वर्सेस ग्लाइसीमिक लोड, ये है बहुत इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग जो आपको मन में रखना है। ये नहीं है कि आपका जो फल है ऐसे जब आप खाएंगे शुगर लेवल शूट अप हो जाएंगी, ये तो गलत चीज़ है, क्योंकि फल में से ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो है। पर ग्लाइसीमिक लोड ये क्या है? ग्लाइसीमिक लोड का मतलब है कितने फल आपने खाए हैं दिन में, ये है लोड। तो अगर आपने सिर्फ दो फल खाए दिन में, ठीक है, ये है आपका कोटा, माने कि आप एक फल 11 बजे मिड मॉर्निंग स्नैक पर खा सकते हैं और एक और फल जो 4:30 बजे 5 बजे चाय टाइम का होता है आप आराम से खा सकते हैं। तो इसमें कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि जिन जिन को डायबिटीज़ है उनको फ्रूट अवॉइड करना है, ऐसा नहीं है। आप दो फ्रूट आराम से खा सकते हैं, सीजनल फ्रूट। अब आया आठवां मिथ। ये कौन सा मिथ है? बहुत ही इंटरेस्टिंग मिथ है, क्योंकि पानी जो हम रिकमेंड करते हैं, हम न्यूट्रिशनिस्ट रिकमेंड करते हैं, वो है आपके उम्र, आपका जो बॉडी टाइप है, आपका हाइट और वेट, उसके ऊपर हम रिकमेंड करते हैं कितने ग्लासेस आपको पीना है। और बहुत आपको शायद इंफॉर्मेशन मिलती होगी कि 8 या 12 ग्लास आपको पानी पीना है। तो एक्चुअली इसमें साइंस का जो है इतना एविडेंस नहीं है, क्योंकि आपका जो बॉडी टाइप है उसके ऊपर ही न्यूट्रिशनिस्ट रिकमेंड करती हैं कितना आपको पानी पीना है। तो हाइड्रेशन लेवल्स, जितना आप, जैसे कि अगर आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो और बहुत पसीना छूट रहा है, और नहीं तो आपका जो एनवायरनमेंट है जहाँ आप रह रहे हैं बहुत ठंड है और नहीं तो बहुत गर्मी है, और आपका जो रूटीन होता है दिन का रूटीन, ये सब देख के तभी हम रेकमेंड करते हैं आपको कितने ग्लासेस पीना है। तो रेंज होता है, वी से माने कि अगर आप 5 ग्लासेस पी रहे हैं और आपको माने कि वेट लॉस आपका नहीं हो रहा है ठीक से, वी माइट से 1 और 2 आप पी सकते हैं, ट्राई टू ऐड मोर वाटर, बट इट विल डिपेंड, माने कि पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन, जो फैक्टर्स हैं, आपका इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, इन्वायरमेंट का, ये सब देख के फिर ही हम रेकमेंड करते हैं। तो ये सिर्फ एक रेंज होता है, 8 या 12 ग्लास तक आपको पानी पीना है। अब 9th मिथ ये है कि लोग समझते हैं अगर उन्होंने चीनी खा ली तो उनको डायबिटीज़ हो जाएगा, पर क्या ये सच है? नहीं, ये नहीं सच है। तो चीनी डेफिनेटली बहुत शक्कर है और लोग ऑटोमेटिकली उसको डायबिटीज़ के साथ लिंक कर लेते हैं, पर इसका मतलब नहीं है कि अगर आपने गलती से या नॉर्मली अगर आपका है आदत चीनी मिलाना चाय में या ऐसे खाना, कि आपको इमीडिएटली डायबिटीज़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी आराम से 3 या 5 स्पून, उसके थोड़े और भी हो सकते हैं रिकमेंडेशंस, फ्री शुगर वो अलाउ करते हैं, पर वो हम रेकमेंड नहीं करते हैं शक्कर, क्योंकि उसमें सिर्फ कैलोरीज हैं, विटामिन्स नहीं हैं, मिनरल्स नहीं हैं। हम रेकमेंड करते हैं कि आप थोड़ा और, जैसे कि जैगरी, गुड़,
गुड़ आप आराम से ले सकते हैं, 1 या 2 टीस्पून, नहीं तो आप डेट शुगर या कोकोनट शुगर, ये नहीं तो कुछ हनी, ऐसा कुछ जहाँ पे थोड़ा और कुछ मिलेगा अदर देन जस्ट द कैलोरीज, है ना। तो इसका मतलब नहीं है कि अगर आपने चीनी खा ली आपको डायबिटीज़ हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। पर शक्कर का यही है कि क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, माने कि जैसे कि हमने कहा गुड़ इज़ बेटर देन वाइट शुगर। वाइट शुगर आपको मालूम है इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, है ना। तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिए और मेक स्मार्टर चॉइसेस व्हेन कमिंग टू शुगर। अब 10वीं मिथ ये है कि जो नॉनवेज खाते हैं वो विटामिन B12 में नहीं डिफिशेंट हैं। क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है, क्योंकि जो नॉनवेज खाते हैं वो कभी कभार विटामिन B12 में डिफिशेंट हो जाते हैं। क्यों, ये क्यों है? क्योंकि विटामिन B12 अगर नॉनवेज से आएगा, चिकन या फिश से आएगा, पर अंदर शरीर के अंदर वो ठीक से अब्सॉर्ब नहीं होता है। इसलिए जो नॉनवेज खाते हैं वो भी विटामिन B12 में डिफिशेंट हो सकते हैं। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में काफ़ी हिंड्रेंसेस आ सकती हैं अब्सॉर्प्शन में, जैसे कि ओवर यूज ऑफ एंटासिड्स, नहीं तो अल्कोहल या स्ट्रेस, ये सब विटामिन B12 का अब्सॉर्प्शन हिंडर कर सकता है। और उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रोबायोटिक्स चाहिए, जैसे कि हमने कहा दही से प्रोबायोटिक्स अच्छे से फ्रेंडली बैक्टीरिया एंटर करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और उसको इम्प्रूव करता है विटामिन B12 अब्सॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म। तो इसका मतलब है कि नॉन वेजिटेरियंस को भी विटामिन B12 डिफिशेंसी हो सकती है। अब मिथ 11 ये है कि रॉ फूड्स कुक्ड फूड से बेहतर हैं। क्या ये सच है? एक्चुअली ये नहीं सच है। तो अगर हम देखें कि जो प्रोसेस होता है, कुकिंग प्रोसेस जो होता है, सारे खाने में एक्चुअली हेल्प करता है, सारे एंजाइम्स जो होते हैं फाइबर वगैरह वो आसानी से निकलते हैं कुकिंग प्रोसेस में। तो जैसे अगर आपने टमाटर लिया, है ना, टमाटर को अगर आपने सोटे किया, नहीं तो आपने उसका एक माने कि बेस बनाया, तो टमाटर का जो लाइकोपीन रहता है, कैरोटेनॉइड लाइकोपीन रहता है, वो बहुत आसानी से निकलता है और अवेलेबल हो जाता है। तो कुकिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो विटामिंस और मिनरल्स होते हैं वो थोड़े आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं खाने में। तो कुक्ड और रॉ में क्या है कि आपको उसको बैलेंस में करना है, बहुत रॉ मत खाइए, बहुत कुक्ड मत खाइए, पर उसको बैलेंस में आप रखिए। 12वां मिथ ये है कि लोग हमेशा ब्राउन फूड्स ओवर वाइट फूड्स सेलेक्ट करते हैं। क्या इसमें कोई एविडेंस है? नहीं, क्योंकि ब्राउन फूड्स में भी कभी कभार कलर ऐड किया गया होता है। तो अगर आपने जैसे कि ब्राउन ब्रेड लिया और आपने लेबल पढ़ा, तो ब्राउन ब्रेड में कभी कभार वो मैदा फर्स्ट इंग्रेडिएंट आता है, तो मैदा, फिर उसके बाद होल व्हीट फ्लावर, उसके बाद कुछ 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 जैसे कि, तो आपको लेबल पढ़ना चाहिए कि ब्राउन ब्रेड में भी कितना होल व्हीट फ्लावर है और कितना मैदा है। तो पहले 3 इंग्रेडिएंट फूड लेबल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, कौन सा सबसे मजॉरिटी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया गया है। तो ब्राउन का ये मतलब नहीं है कि वो एक्चुअली होल व्हीट है, लेस रिफाइंड है। तो आजकल काफ़ी कलर वर्ल भी ऐड करते हैं, तो प्लीज़ आप वॉच आउट करिए कि आप क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपकी वाइट शुगर और ब्राउन शुगर, है ना, ब्राउन शुगर में क्या है, थोड़ा सा वो मोलासेस रह जाता है तो उसका ब्राउन कलर आ जाता है। पर अगर आप देखें तो कैलोरी वाइज दोनों के दोनों उसी 1 टीस्पून अगर आप वाइट शुगर लेंगे या ब्राउन शुगर लेंगे वो ही कैलोरीज मिलेंगी। तो ये हुए आपके 12 मिथ। आप किस मिथ पर बिलीव कर रहे हैं आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर कोई और मिथ हो प्लीज़ हमें सजेस्ट करिए। भूलिए मत हेल्थफाई मी ऐप डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए
सारे डाइट टिप्स के लिए, रेसिपीज के लिए और फिटनेस वीडियोस के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।